हाय फ्रेंड्स, हम आज बनाने वाले हैं अनियन रवा डोसा। ये एकदम आपका रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा, बहुत क्रिस्पी और इजी रेसिपी है। इसके साथ हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, जो है कोकोनट कोरिएंडर की चटनी। सो चलिए शुरू करते हैं। एक बोल लेंगे, उसमें मैंने डाला है आधा कप राइस का फ्लार, आधा कप रवा यानी सूजी और एक चौथाई कप आटा का फ्लार। इसमें डालेंगे 2 स्पून दही। आप चाहे तो आटा की जगह मैदा यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे आटा यूज़ किया है। हम डालेंगे अभी 2 कप पानी और उसके ऊपर आधा कप पानी। इसको अच्छे से मिला के, ध्यान रखें कि कोई लम्स ना रहे बैटर में। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा पानी और डाल भी सकते हैं, बट हमने अभी 2.5 कप पानी लिया है। यहाँ पे मैंने और 1 कप पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करके हम इसको ढक देंगे और रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। चूल्हा में चटनी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया चना दाल, जिंजर, मिर्ची, लहसुन, कोरिएंडर, ये थोड़ा भुना हुआ मैंने लिया है उड़द दाल, इसको मैंने रोस्ट कर दिया है, और कोकोनट 3 से 4 पीस। ये सबको हम मिक्सर में डाल देंगे एक एक करके। ये चटनी बहुत अच्छी बनती है, सो आप डेफिनेटली ट्राई करें। और उड़द दाल आप सेक के ही लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे आधा लेमन स्क्वीज करके, और इसको हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैंने पहले एक बार में ग्राइंड करके मैं अब पानी डालूंगी इसके अंदर। पहले पानी मत डालेगा। अब देखिए, हमारी चटनी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रह गई है। हम इसको बोल में निकाल, अब हम तड़का लगाएंगे। ये स्टेप आपके लिए ऑप्शनल है। मैंने लिया है ऑयल, उसमें मैंने डाला है उड़द के दाने, मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा कड़ी पत्ता। इन सबको अच्छे से मिक्स करके अब देखेंगे हमारा बैटर 10 मिनट के बाद। देखिए, रवा फूल गया है। हम डालेंगे अभी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। 1 स्पून मैंने जीरा लिया है, 1 कप कांदा का चॉप्ड, 1 मिर्ची और कड़ी पत्ता, जिंजर और कोरिएंडर चॉप्ड। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और हमारा स्मूथ बैटर बना लेंगे। ये देखिए, बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसा है। इसके लिए मैं अभी और पानी उसमें डालने वाली हूँ। यहाँ पे मैं लूँगी और 1 कप पानी। इसको अच्छे से मिला लेंगे। बैटर थोड़ा पतला होना चाहिए रवा डोसा के लिए, और मैंने थोड़ा नमक भी डाला है इसमें, वो आपका ऑप्शनल है। अब हम एक पैन को गर्म करके उसमें बैटर डाल देंगे अपना। इसको अच्छे से फैला दीजिए। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है उसके ऊपर। ये एग्जैक्ट बाहर के जैसे रवा डोसे की जाली आती है, वैसी आई है। इसको हम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये 3 to 4 मिनट्स के बाद एकदम क्रिस्पी होगा। और थोड़ा ऑयल या आप घी ले सकते हो, मैंने साइड में डाल दिया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी डोसा अब रेडी है। इसको हम फोल्ड करके सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। ऐसे ही आप बाकी के सब डोसे बना दीजिए, और ये ज़रूर घर पर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।